दोस्तों 2.0 के डायरेक्टर हैं एस शंकर और इस फिल्म के अंदर आपको रजनीकांत के अलावा अक्षय कुमार वो भी विलन के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म भारत की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का बजट 450 करोड़ है। 2.0 जो फिल्म है वो 3D में भी रिलीज की जाएगी, लेकिन ये फिल्म आपको 2018 के अंत यानी नवंबर 29 तारीख को देखने को मिलेगी। रोबोट 2.0 यानी रोबोट 2 का सबसे पहले आमिर खान को ऑफर की गई थी और ये ऑफर रजनीकांत ने खुद आमिर खान को दिया था क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य कारणों से जूझ रहे थे। अभी हाल ही में कोमल नाहटा ने एक इंटरव्यू में आमिर खान के साथ ये राज खोला कि आखिर वो क्यों इस फिल्म के लिए इनकार कर चुके हैं। वहीं मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने ये कहा कि ये फिल्म सुपर हिट होने वाली है। ये फिल्म 2.0 हर भाषा में हिट होने वाली है, फिर भी आमिर खान ने इस फिल्म को काम करने से मना क्यों किया तो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि रजनी सर उस समय स्वस्थ नहीं थे। उन्होंने शंकर को बोला कि प्लीज़ आमिर से रिक्वेस्ट कीजिए। रजनी सर ने मुझे कॉल किया और कहा कि प्लीज़ ये फिल्म करो, मैं सोचता हूँ कि इसकी स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी है और ये बहुत अच्छा करेगी, लेकिन मैं जब भी अपनी आँखें बंद करता हूँ तो उस रोल में मुझे सिर्फ रजनी सर ही दिखाई देते हैं, मैं इसमें अपने आप को नहीं देख सकता। भावुक होकर भी जब मैंने फिल्म के बारे में सोचा और सीन के बारे में सोचा तो मेरे दिमाग में सिर्फ रजनी सर आए। मैंने शंकर को बोला कि ये फिल्म मैं नहीं कर सकता, सिर्फ रजनी सर ये फिल्म कर सकते हैं, उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आमिर खान एक ऐसे एक्टर हैं जब वो कोई भी फिल्म करते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल के महसूस करते हैं कि वो कैरेक्टर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तब उन्होंने ये महसूस किया कि वो इस कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठेंगे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आमिर खान को ये रोल करना चाहिए था या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलेगी सबसे पहले।